प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आषाढ़ पूर्णिमा धम्म चक्र दिवस कार्यक्रम में हिस्सा। कहा, कोरोना महामारी के दौर में मानवता का संकट, ऐसे में बुद्ध के विचार हमारे लिए मददगार। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने गुरु पूर्णिमा को लेकर दी शुभकामनाएं, ट्वीट कर लिखा, सत्य ही गुरु है, गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं। ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौत न होने के मामले में छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने केंद्र पर देश को गुमराह करने के लगाए आरोप। कहा, इस तरह की रिपोर्ट राज्य में नहीं है और न ही केंद्र ने मांगी है। शिलांग के दो दिवसीय दौरे पर अमित शाह, पूर्वोत्तर के 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ गृह मंत्री अमित शाह की बैठक। कोरोना सहित अंतर्राज्यीय सीमा मुद्दों पर हो सकती है चर्चा। दो दिवसीय दौरे पर गोवा पहुंचे बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। विधायकों, मंत्रियों, पदाधिकारियों और राज्य की कोर टीम के साथ बैठक कर लेंगे टीकाकरण का जायजा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की केंद्र सरकार से पुनर्विचार करने की अपील। एससी एसटी के अतिरिक्त कोई जातीय जनगणना नहीं करने के फैसले पर हो पुनर्विचार। पंजाब के बाद राजस्थान कांग्रेस में हलचल तेज। गहलोत कैबिनेट में विस्तार की खबरों के बीच संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल शुक्रवार को पहुंचेंगे जयपुर। कर्नाटक के पूर्व सीएम सिद्धारमैया ने जताई उनकी सरकार गिराने के लिए फोन टैपिंग की आशंका। बीजेपी को बताया फोन टैपिंग में शामिल। महाराष्ट्र में भारी बारिश के चलते अलग अलग घटनाओं में 138 से अधिक लोगों की गई जान। भारी बारिश और भूस्खलन की वजह से रायगढ़ जिला बुरी तरह हुआ प्रभावित। सीएम उद्धव ठाकरे लेंगे जायजा। बंदूक लाइसेंस की अवैध बिक्री के सिलसिले में सीबीआई ने की 40 जगहों पर छापेमारी। जम्मू कश्मीर के सीईओ, मिशन यूथ वरिष्ठ आईएएस अधिकारी शाहिद इकबाल चौधरी के घर भी हुई छापेमारी। कैरोलिन कैनेडी को ऑस्ट्रेलिया में राजदूत के रूप में नामित करने को तैयार अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। कैनेडी ने किया था ओबामा प्रशासन के दौरान जापान में राजदूत के रूप में कार्य। भारत और पाकिस्तान को द्विपक्षीय मुद्दों को सुलझाने के लिए अमेरिका कर रहा प्रेरित। दक्षिण और मध्य एशियाई मामले के कार्यकारी सहायक विदेश मंत्री डीन थॉम्पसन ने मुद्दों को हल करने की कही बात। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके के तरार खल में चुनाव के चलते रैली करने पहुंचे पाक पीएम इमरान खान। जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान का प्रांत बनाने की योजना के दावों को किया खारिज। संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए के 76वें सत्र के लिए अध्यक्ष निर्वाचित किए गए अब्दुल्ला शाहिद ने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात। अध्यक्षीय कार्यकाल के दौरान सहयोग का पीएम ने दिया आश्वासन। दो दिवसीय दौरे पर लंदन पहुंचे भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने की अपने ब्रिटिश समकक्ष लॉर्ड तारिक अहमद से मुलाकात। बहुपक्षीय मंचों पर भारत ब्रिटेन की भागीदारी समेत कई वैश्विक मुद्दों पर की व्यापक समीक्षा। भारत में कार लॉन्च करना चाहते हैं टेस्ला के सीईओ एलन मस्क। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों पर इम्पोर्ट ड्यूटी अधिक होने की वजह से आ रही दिक्कत। टेस्ला ने किया सरकार से इलेक्ट्रिक वाहनों पर इम्पोर्ट ड्यूटी घटाने का अनुरोध। भारी कर्ज में डूबी टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया की बड़ी मुश्किलें। सुप्रीम कोर्ट ने की एजीआर ड्यूज में सुधार के लिए दायर टेलीकॉम कंपनी की याचिका खारिज। कंपनी पर लगभग 1.5 लाख रुपए का कर्ज, कैश बैलेंस मात्र 350 करोड़ रुपए, दिवालिया हो चुकी है कंपनी। बिग बॉस को ओटीटी प्लेटफॉर्म बूट पर रिलीज करने के अनाउंसमेंट के बाद बढ़ी एक्साइटमेंट। सलमान की जगह करण जौहर रहेंगे शो के होस्ट। 14 साल बाद फिल्मों में शिल्पा के कमबैक पर उनकी बहन शमिता शेट्टी ने किया शिल्पा शेट्टी को सपोर्ट। नोट लिखकर बंधाया ढांढस, लोगों से की हंगामा 2 देखने की अपील। टोक्यो ओलंपिक में वेटलिफ्टिंग में मीराबाई चानू ने जीता मेडल। पीएम मोदी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, किरण रिजिजू सहित दिग्गजों ने दी बधाई।